दोस्तों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी आप सभी का एचएम कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? दोस्तों मैं आज से एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं आपके लिए। मैं अभी हिंदी सीरीज ले रहा हूं जिसमें मैं इस समय उपसर्ग पढ़ा रहा हूं, और एनसीईआरटी सीरीज में मैं इतिहास विषय चालू करूंगा क्लास 6 से लेकर 12 तक का। पूरा एनसीईआरटी आप यहाँ पे मैं आपको कवर करूंगा आपके लिए, ठीक है? तो मैं आपको बता दूं उसके पहले कि एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी क्यों है, ठीक? क्यों पढ़े एनसीईआरटी के बारे में बात करेंगे। ये आपके लिए लाभदायक क्यों है? यदि आप वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जामिनर ने आजकल एनसीईआरटी से प्रश्न पूछना शुरू कर दिया है। एग्जामिनर पहले भी एनसीईआरटी से ही पूछता था, लेकिन अब एग्जामिनर का औसत 80% लगभग 80% आप मान सकते हैं कि वो वन डे एग्जाम में भी एनसीईआरटी से ही प्रश्न पूछ रहा है, चाहे वो इतिहास हो, भूगोल हो, अर्थव्यवस्था हो, पॉलिटी हो, कुछ भी हो, प्रश्न कहां से आएगा? एनसीईआरटी से ही। आप रेलवे की परीक्षा देते हैं, आपको लगता है कि ये किस टाइप का प्रश्न पूछ लिया गया है, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं, लेकिन वास्तविकता यह है कि वो एनसीईआरटी से पूछा जा रहा है। अगर आप साइंस की बात करेंगे, मान लीजिए आप रेलवे की परीक्षा दे रहे हैं और साइंस वहां पे साइंस आ रही है, तो पूरी साइंस आप देखेंगे, आप एक चीज नोटिस करेंगे तो साइंस के अधिकतर क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से पूछे गए हैं, ठीक? ये तो हुई वन डे एग्जाम की बात। ऐसे ही एसएससी का भी हो गया, यूपी ट्रिपल एससी का भी हो गया, तो ये सब वन डे एग्जाम की बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे कुछ और, जैसे आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं, तो आपके लिए एनसीईआरटी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि एनसीईआरटी से ही आपकी समझ पैदा होती है, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी से क्लियर होता है, और स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के लिए आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। यदि आप एक क्वेश्चन करते हैं, मान लीजिए स्टेट पीसीएस या यूपी पीसीएस का ही ले लीजिए, कोई प्रश्न आया और उसमें चार ऑप्शन दिए गए, तो आपको चार के चारों पता होने चाहिए। क्यों पता होने चाहिए? क्योंकि अगर आपको चार के चारों नहीं पता होंगे तो आप सही नहीं कर पाएंगे। और चार के चारों कब पता होंगे? जब आपने कोई टॉपिक एनसीईआरटी से भी पढ़ रखा हो तब, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई टॉपिक पढ़ा तो एग्जामिनर एनसीईआरटी की हूबहू लाइन भी रख देता है कभी कभी, और हूबहू लाइन रखे या ना रखे, आपको आपका पूरा संपूर्ण मैटर एनसीईआरटी से मिलता है, ठीक? तो चार ऑप्शन में दो ऑप्शन एनसीईआरटी से लेगा, दो ऑप्शन खुद से देगा, तो आप समझ रहे हैं एनसीईआरटी कितना महत्वपूर्ण हो रहा है। जैसे पीसीएस में क्वेश्चन आता है कथन और कारण वाला, तो कथन कारण वाला आप तभी सही कर पाएंगे जब आपकी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होगा, आपकी समझ बहुत अच्छी होगी, तब आप यूपी पीसीएस या स्टेट पीसीएस का कोई प्रश्न कर पाएंगे कथन और कारण वाला। आपको मैं बता दूं कि एनसीईआरटी अगर आप किताबें पढ़ते हैं तो आप एक बात नोटिस किए होंगे कि एनसीईआरटी हमें समझाती है, एनसीईआरटी हमें समझाती है और दूसरी किताबें हमें बताती हैं। तो समझाना और बताने में बहुत बड़ा अंतर होता है। बताना तो मैं आपको कुछ भी बता दूं, पर समझाना अच्छा क्या होता है? आपका आपकी समझ पैदा करना। यदि मैं आपको कुछ समझा रहा हूं तो मैं अच्छा हूं। ऐसे ही किताब अगर आपको कुछ समझा रही है तो सबसे बेस्ट किताब कौन सी है आपके लिए? एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी हमें समझाती है। बाकी दूसरी किताबें जो मार्केट में उपलब्ध हैं वो हमें बताती हैं, ठीक है? आप ये डिफरेंस समझने की कोशिश करिए, एनसीईआरटी को महत्वपूर्ण समझने लगिए। दोस्तों एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेते हैं तो इसका एक और फायदा है, यदि आप मेंस की परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी का मेंस देने जा रहे हैं, तो आपके पास शब्दों का भंडार होता है, क्योंकि आप एनसीईआरटी पढ़ के जा रहे हैं। आप क्योंकि प्रश्न तो वही पूछता है ना जो हम लोग पढ़ते हैं, और आप जो पढ़ेंगे एनसीईआरटी एक क्रमबद्ध तरीका अच्छे से आपको सिखाता है कि हमें कैसे पढ़ना, कैसे लिखना है। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो इस बात को जरूर नोटिस करिएगा कि एनसीईआरटी एक बहुत अच्छा माध्यम है आपका मेंस लिखने के लिए। आपको आपकी लेखन शैली, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि सर हमें कामा भी बताइए, कहाँ पे कामा लगा है, कहाँ पे अल्प विराम है, कहाँ पे पूर्ण विराम। आप एनसीईआरटी ऐसे पढ़ाना, एकदम हूबहू छपवा ही देना, मतलब आप समझ रहे हैं एनसीईआरटी कितनी महत्वपूर्ण है। बच्चे क्या सोचते हैं कि सर एक कामा भी मत छोड़ना, आप समझाने में एक कामा भी मत छोड़ना, तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एनसीईआरटी कितनी महत्वपूर्ण है। मैं आपको और बता दूं कि आपको 90% चीजें एनसीईआरटी में समझनी और 10% चीजें आपको याद करनी,
जैसे आप संविधान पढ़ रहे हैं तो आपको ये आर्टिकल याद ही करना पड़ेगा, ठीक। लेकिन आप और कुछ पढ़े तो आप समझ जाएंगे, लेकिन जो कुछ याद करने वाला है वो आपको याद ही करना पड़ेगा, लेकिन जो कुछ समझने वाला है वो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। एक बात और महत्वपूर्ण कि एनसीईआरटी आप पढ़ तो लेते हैं, लेकिन एनसीईआरटी सब कोई पढ़ता है, पर उसके अच्छे परिणाम कुछ लोगों के आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि सिर्फ पढ़ना ही कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, एनसीईआरटी पढ़ के आप समझे कितना है ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो मैं कोशिश करूंगा, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ शब्द का अर्थ नहीं बताने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए कोई शब्द है समावेश, तो मतलब मैं समावेश का अर्थ तो बताऊंगा ही बताऊंगा, उसके साथ में आपको उसका भाव बताऊंगा कि समावेश का भाव क्या है। समावेश तभी तो आपको चीजें याद रहेंगी, कोई शब्द होगा उसका सीधे अर्थ बता दो फिर भी आपको नहीं आएगा, लेकिन उस शब्द का भाव क्या है, उसका मतलब क्या है, कहें वो। जैसे मान लीजिए कोई शब्द है तो उसको मैं आपको बताऊंगा कि इसका भाव क्या निकल रहा है, तब आपको हमेशा याद रहेगा। आशा है आप एनसीईआरटी की उपयोगिता समझ गए हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम पढ़ाएंगे क्या। तो मैं आपको बता चुका हूँ हम इतिहास कवर करने जा रहे हैं, तो आपको मैं आपको डेली एक क्लास दूंगा, ठीक है। और एक क्लास जब मैं आपको दूंगा तो उसमें हो सकता है, जैसे क्लास सिक्स है तो उसमें दो दो चैप्टर कवर हो गए एक दिन में, ठीक। किसी में एक, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे एक एक चैप्टर होते जाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े चैप्टर हो जाते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ से फैक्ट भी आते हैं, तो मैं आपको फैक्ट भी बता दूंगा कि इसमें ये फैक्ट है, यहाँ पे ये बात समझने वाली। जो चित्र होगा वो मैं चित्र बना के समझाऊंगा। दोस्तों मैं आपको एनसीईआरटी में इतिहास विषय पढ़ाने वाला हूँ। इतिहास विषय परीक्षाओं के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, ये कई सारे विषय आते हैं, और उसमें इतिहास अकेला मात्र ऐसा विषय है जिसमें वर्तमान की बात ना होकर अतीत की बात होती, ठीक। और सब सब्जेक्टों में क्या होता है, वर्तमान की बात होती, लेकिन इतिहास एकमात्र ऐसा विषय है जिसमें अतीत की बात होती, तो इसलिए इतिहास की उपयोगिता अलग हो जाती है। आपके माइंड में कभी आया कि आप ये सोचे हो कि सबसे पहले खेती किसने की होगी, पहले के लोग कैसे रहते होंगे, पहले के लोग कैसे जाते रहे होंगे, जैसे हम लोग अभी हवाई जहाज से चले जाते हैं, ट्रेन से चले जाते हैं, तो पहले के लोग दूर, जैसे लंबी दूरी की यात्रा होगी तो कैसे करते होंगे, ये सारी चीजें आपके माइंड में आती होंगी। उन सब चीजों का जवाब आपको एनसीईआरटी देने वाली। तो मैं आपको अगली क्लास यानी कि क्लास सिक्स का जो पहला चैप्टर है वो समझाने वाला हूँ। वहां पे आपको कई सारी चीजें समझ में आएंगी, ये सारी चीजें निकलेंगी। तो जब आप जैसे मान लीजिए ये सोचते हैं कि सबसे पहले कृषि किसने की होगी, लोहे का आविष्कार किसने किया होगा, ठीक, ऐसे आपके माइंड में आता है। तो यही सारी चीजें, ये सारी चीजें जब आपके माइंड में आती हैं तब आप अतीत में जाते हैं, और अतीत में जाना क्या कहलाता है, अतीत में जाना इतिहास के अंतर्गत आता है। तो इसलिए हम लोग इतिहास पढ़ेंगे, इसीलिए इतिहास की उपयोगिता है, ठीक। अब मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करना जा रहा हूं, इतिहास क्यों पढ़ें। आपके माइंड में ये भी तो आ सकता है, इतिहास क्यों पढ़ें, इतिहास की उपयोगिता क्या है, ये प्रश्न आ रहा होगा कि इतिहास पढ़ें कि इतिहास की उपयोगिता क्या है, जो चीजें पहले हो गई उन्हें हम जान के क्या करेंगे, मेरा क्या मतलब है इनसे। आपके माइंड में आ रहा होगा जैसे पानीपत की लड़ाई हो गई 1526 में, तो आपके माइंड में आया कि हम मेरा इससे क्या लेना देना। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपका लेना देना है पहले के लोग, आपके पूर्वज जो कर गए हैं उससे आपका लेना देना है, इसलिए आपको इतिहास पढ़ना जरूरी है। आप जाने तो कम से कम कि खेती करना कब से शुरू हुआ, खेती से हमें क्या फायदा मिला, आज हम जो खा रहे हैं, कभी कोई इसके लिए तरसता था, फिर किसी ने खोज की, किसी ने कुछ ऐसा किया जिससे खेती की खोज हुई, समझ रहे हैं आप। लोहा कितने महत्वपूर्ण धातु हो गई, अगर वो हमारे पूर्वज ना होते, हमारे समाज के जो पूर्वज हैं जिन्होंने ये सारी चीजें खोजी, तो हम आज क्या होते, कुछ नहीं होते। तो उनका योगदान हमें पता होना चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि इतिहास पढ़ के हमें ये ज्ञात होता है कि हमारे जो पूर्वज थे, या लगातार जो बदलाव हो रहा है
उसी का दिन आज है, यानी कि रोज ये बदलाव इतना धीमे धीमे होता है, जैसे आप कुछ कर रहे हैं तो बदलाव आपको नहीं दिखता है, लेकिन ये जो धीरे धीरे बदलाव हुआ करता है, ये चल के आज के 100, 200, 500, 1000 साल बाद किसी को बदलाव नजर आएगा कि देखो 1000 साल पहले कैसा सिस्टम था और अब कैसा सिस्टम हो गया। आशा है आप इस इतिहास की उपयोगिता समझ पा रहे हैं। तो इतिहास से जब आप रुचि पैदा कर लेंगे, इतिहास की उपयोगिता जान जाएंगे, तब आप कार में बैठ के कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए कोलकाता जा रहे हैं, अपने घर से कोलकाता कार से, तो आपके माइंड में प्रश्न आ सकता है कि क्या पहले के लोग भी ऐसे जाते थे? पहले के लोग पैदल जाते थे, फिर घोड़े से जाने लगे, हाथी से जाते थे। तो ये बदलाव जो होगा यही इतिहास के अंतर्गत आएगा। ठीक, हमारा जो अतीत था हमें उसे जानना अवश्य चाहिए, क्योंकि तब आप जब अतीत जानेंगे, जब क्लासेस लेंगे, तब आपको सुख की अनुभूति होगी कि पहले कैसे था अब कैसा है। अब मैं ज्यादा नहीं बात कर रहा हूँ, पर आप अपने पिताजी या दादाजी से पूछ सकते हैं कि आप लोग ये काम कैसे करते थे और हम लोग कैसे कर रहे हैं। हम लोग आज मोबाइल से बात कर लेते हैं, तुरंत पता चल जाता है पहले क्या था, लेटर लिखो, चिट्ठी बोल दे। ठीक, तो ये लगातार परिवर्तन हमें सिखाता है कि हमें इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, हमारी अब अगली क्लास कल होगी, जिसमें मैं आपके लिए सिक्स क्लास का जो पहला चैप्टर है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा और बताऊंगा कि इस यहाँ पे क्या महत्वपूर्ण है, क्या क्या आप यहाँ से समझेंगे, जो आपकी समझ होगी मैं आपको आपकी समझ पैदा करूंगा उस चैप्टर से रिलेटेड, और जो महत्वपूर्ण होगा वो भी बताऊंगा, कोई मैप होगा तो मैं मैप बना के दिखाऊंगा। ठीक है, तो कल की क्लास का इंतजार करिए और हमारे साथ बने रहिए। आपको एनसीईआरटी पूरी सीरीज अगर देखनी है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि मैं इसमें और क्या सुधार कर सकता हूँ। आपके सुझाव आमंत्रित हैं, आप जितना सुझाव देंगे मैं उतना सुधारने की कोशिश करूंगा। ठीक है, धन्यवाद।